स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड 8। ओके, अब एक्सरसाइज 6.2 तक हमने देख लिया था, स्टार्ट करते स्क्वायर रूट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक साइड की वैल्यू क्या होगी? तो हम सबको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है। ये जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में ये भी लेंथ, ये लेंथ, ये सब सेम होता है। तो इन दोनों का सम करके, मल्टीप्लीकेशन, एल इंटू एल करके जो भी आता है ना, वो आपका एरिया आता है। तो इसको एल इंटू एल की वैल्यू आपको पता है क्या? ये 144 इस क्वेश्चन में। तो ये क्या हो गया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो अकेली एल की वैल्यू क्या आएगी? तो ये तो स्क्वायर रूट हो गया किसका, ये तो स्क्वायर हो गया किसका, 12 का। तो एक साइड की वैल्यू 12 आएगी। कितनी आएगी? एक साइड की वैल्यू आपकी 12 आएगी। तो देखो यहाँ पे किया हुआ है प्रोसेस, आपको दिया नहीं है, सिर्फ व्हाट कुड बी द साइड, क्या होगी, आपको ये सॉल्व करके नहीं दिया है, लेकिन आप फाइंड कर सकते हो ऐसे, बराबर। ओके, एल इंटू एल मीन्स एरिया होता है, तो एल इंटू एल मीन्स एल स्क्वायर की वैल्यू हमको 144 दी है, तो एक साइड की वैल्यू, एल की वैल्यू 12 हो जाएगी। फिर किसी भी चीज का अगर स्क्वायर रूट आपको पता करना है, क्या किसी भी चीज का स्क्वायर रूट पता करना है, अभी देखो 4 मीन्स क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है ना, तो ये एक बार 2 आया, ये 2 बार आया, तो जब भी स्क्वायर रूट करते हो ना, तो 2 बार आएगा, उसको हम एक बार लिखते, तो 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2 का। वैसे ही 9, तो 9 मीन्स 3 इंटू 3, तो ये 2 बार 3 आया, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। वैसे ही 16 मीन्स 4 इंटू 4, ये किसका स्क्वायर हो गया, 4 का। मीन्स स्क्वायर कब बनता है, जब सेम दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन होता है तब स्क्वायर बनता है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा भले ही, लेकिन जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो दोनों में से एक ही लिखेंगे। देखो दोनों में से एक ही लिखेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे, तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। तो देखो ये फिर से बता देता हूँ, स्क्वायर रूट करने की एक मेथड है 6400। इसको हम डिवाइड करते हैं, तो डिवीजन कर, डिवाइड करो पहले, तो किससे डिवाइड होगा, 2 से, तो 2 से ये 3, ये 2, ये 00, अगेन फिर से डिवाइड करो 2 से, तो ये 2 वन जा, यहाँ पे 1 बचा, 6000, अगेन 2 से, तो 800, अगेन 2 से, 24 जा, 400, अगेन 2 से, 200, अगेन 2 से, 100, अगेन 2 से, 50, अगेन 2 से, 25, 25 को 2 से नहीं काट सकते, 3 से नहीं, 5 से, तो 5 से 5, और ये 5 बचा तो 5। अब देखो जितना भी हमने लिखा है ना, वो सबको हम पैर में लिखते हैं। देखो कैसे, तो ये 2 है, ये 2, तो ये दोनों के एक पैर बनाते हैं, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2, ये एक पैर हो गई। फिर ये दोनों के एक पैर बनाते हैं, तो ये भी क्या हो गया, फिर से 2 इंटू 2। फिर ये दोनों के एक पैर बनाते हैं, ये क्या हो गया 2 इंटू 2। फिर ये दोनों के एक पैर बनाते हैं, ये भी क्या हो गया 2 इंटू 2। फिर ये दोनों की, तो ये क्या हो गया 5 इंटू 5। देखो पैर कितनी बन रही है, 1 2 3, मीन्स 4 पैर किसकी बन रही है, 2 की। तो जिन जिन की पैर बन रही है ना, उनको एक ही बार लिखो, तो इसकी पैर में से एक बार, तो ये 2 यहाँ पे आया, इसकी पैर में से एक बार, तो 2 यहाँ पे आया, इसकी पैर में से एक बार, तो 2 यहाँ से आया, इसकी पैर में, तो 2 यहाँ पे आया, और ये 5 5 दो बार है, तो इसके पैर में से भी 5 एक बार, तो 5। अब इन सब का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 6 8 2 कितना होता है 16, और 16 5 कितना होता है 80। तो ये जो है ना 6400, ये इसका स्क्वायर है 80 का। ओके चलो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है 90 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो देखो 90 को हम काटेंगे तो ऐसा आता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे देखो 3 की तो 2 पैर बन रही है, लेकिन 2 की भी पैर नहीं बन रही है, और
फाइव की भी पैर नहीं बन रही है। और याद रखो जब भी आप डिवाइड करते हो, चलो मैं बता ही देता हूं, 90 को 2 से काटेंगे तो 45, इसको 3 से काटेंगे तो 15, इसको 5, इसको भी 3 से काट सकते हो, 3 से काटेंगे तो 5, और ये 5 एंड 1, तो यहाँ पे पैर बनाओ तो यहाँ पे 3 3 की दो पैर बन रही है, 3 की एक पैर बन रही है, दो को मिलाओगे तो एक पैर, तो 3 की पैर बन रही है, लेकिन यहाँ पे 5 की भी पैर नहीं बन रही है और 2 की भी पैर नहीं बन रही है। और जब भी आप ऐसे सब चीज़ों को मीन्स जैसे ही आप कोई भी डिजिट को ऐसे डिवाइड करते हो और उस डिवाइड के बाद भी अगर आपको पैर नहीं मिल रही है ना, तो उसका मतलब ये है कि जो आपको नंबर दिया हुआ है वो किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पैर बननी चाहिए। ओके, तो ये 90 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।